आज हम बात करने लगे 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप भी घर बैठे लोन देना चाहते हो, 1000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हो, तो आज मैं आपको 5 एप्लीकेशन बताऊंगा जिनकी मदद से आप घर बैठे 1000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन है जो आप आसानी से ले सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले प्ले स्टोर पे आ गया हूँ। प्ले स्टोर पे आने के बाद आप देख सकते हैं जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो कौन सी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है फाइव एप्लीकेशन भी एक NBFC कंपनी है जो हमारे को EMI के ऊपर यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से मुझे पूरे 2 लाख रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद मेरे पास ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मुझे लिमिट मिली है पूरे गेट लिमिट अप टू 2 लाख। जैसे मेरे को मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहा था तो मेरे को यहाँ पे जो लिमिट दिखाई गई थी पूरे यहाँ पे 2 लाख रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट यहाँ पे अप्रूवल की गई थी। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो सिबिल स्कोर है 700 प्लस है तो आप 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको लोन है 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। अब जो सेकंड एप्लीकेशन है वो कौन सी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है रूफिलो। रूफिलो एप्लीकेशन भी एक पूरे तरीके से एक NBFC कंपनी है जो हमारे को 1000 से लेके 25000 रुपए तक का यहाँ पे जो लोन है वो अप्रूवल करती है। अगर हमारे पास जो सिबिल कम भी है तो भी आप रूफिलो एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर और साथ में मिनिमम KYC करने के बाद हमें यहाँ पे जो लिमिट है वो प्रोवाइड हो जाती है। उसके लिए मैं जैसे बैक पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं जो मुझे लिमिट मिली है कितनी मिली है। जो मुझे लिमिट मिली है पूरे 25,960 रुपए की मुझे यहाँ पे जो लिमिट है वो अप्रूवल की गई थी। और ये एप्लीकेशन भी पूरे EMI के ऊपर ही वर्क करती है। सेकंड एप्लीकेशन मैंने आपको जो बताई है ये दोनों एप्लीकेशन सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड पे वर्क करती है। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप रूफिलो एप्लीकेशन से भी यहाँ पे लोन ले सकते हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने इसको टैप किया तो 24,960 रुपए की मुझे यहाँ पे जो लिमिट है वो यहाँ पे मिली थी सेकंड एप्लीकेशन। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है वो कौन सी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है, 1 से 2 मिनट वेट करते हैं, वो है एक्सियो बायनो पे लेटर। एक्सियो बायनो पे लेटर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की भी जो लिमिट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जो मुझे यहाँ से लिमिट मिली थी पूरे 5,000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेस पे आप यहाँ से जो लिमिट है वो आसानी से ले सकते हैं। सिर्फ जो आपका सिबिल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल अच्छा होगा, अगर आपने वो प्रोफाइल हिस्ट्री अच्छी होगी तो आप इन एप्लीकेशनों से लोन जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको 100% वहां से जो लोन है वो देखने को मिलेगा। अब जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो कौन सी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है मनीव्यू। जो मनीव्यू एप्लीकेशन है वो भी एक NBFC कंपनी है जो हमारे को EMI के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है। इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.7 की इसकी रेटिंग है। जो उसके डाउनलोडर है वो 1 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। कुछ केसेस में हमारे को यहाँ पे नेट बैंकिंग की हमारे को यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, बहुत ही कम चांस है। सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड पे ये कंपनी यहाँ पे वर्क करती है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने कैसा इंटरफेस आएगा, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी पूरे 40,000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी। जैसे मैं इसको टैप पे क्लिक करता हूँ तो स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो लिमिट मिली है पूरे 40,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है और जिसकी EMI बनी है 3939 रुपए बनी है और 12 मंथ का मुझे यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे टर्नओवर मिला है। अगर आपको भी मनीव्यू एप्लीकेशन से बड़ा लोन चाहिए 1000 से लेके 5 लाख रुपए तक का, अगर आपका सिबिल अच्छा है तो आप मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहां से जो लोन है 100% वहां से मिल जाएगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से एक सेटिस्फाई एप्लीकेशन है, NBFC कंपनी है और इसमें आपका डाटा भी पूरी तरीके से यहाँ पे सेफ है। और क्योंकि ये जो कंपनी मैंने आपको बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से एक NBFC कंपनी है, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो आप इन कंपनियों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो पांचवी एप्लीकेशन है वो कौन सी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं इसको बैक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ लोन, जैसे मैं इसको लोन ऐप लिखता हूँ तो मैं यहाँ से फिर से यहाँ से बैक कर देता हूँ। लोन ऐप लिखने के बाद मैं आपको यहाँ पे पांचवी एप्लीकेशन बता, जो पांचवी एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपको वहां से लोन मिल जाता है तो आपको 100% वहां से 0% इंटरेस्ट पे आप इसकी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन है स्टैशफिन। स्टैशफिन एप्लीकेशन आपको पता होगा ये हमारे को एक क्रेडिट लाइन लिमिट प्रोवाइड करती है। 1000 से लेके 5 लाख रुपए तक की लिमिट हम यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं और उस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली गई है और ऊपर लिखा हुआ 0% इंटरेस्ट अप टू 30 डे। इस लिमिट को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ और साथ ही 0% इंटरेस्ट पे मैं इसकी लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और 30 दिन बाद मुझे इसको यहाँ पे करना है। और ये एप्लीकेशन भी सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड पे वर्क करती है और हमारे को यहाँ पे किसी प्रकार की बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की हमारे को यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली।
जैसे मैं इसको गेट फंड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बैंक अकाउंट और अमेजोन पे। आप इसको बैंक अकाउंट और अमेजोन पे भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद में जैसे टेक मनी पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको जो इसकी लिमिट को कैसे ट्रांसफर करना है। जैसे आपके पास अभी प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग हटने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसकी लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा नेट स्लो है, इसकी वजह से अभी प्रोसेसिंग में ही चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ 5 एप्लीकेशनें बताई, अगर ये 5 एप्लीकेशनें ऐसी एप्लीकेशन है कि आपको यहाँ पे जो लोन है 100% आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 1000 से लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी लिमिट बची है 14000 रुपए की, जो मेरी लिमिट है मैं अपने बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर सकता हूं, क्योंकि अभी मुझे इसकी यहां पे जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको 5 एप्लीकेशनें बताई, 5 एप्लीकेशन से आप 100% यहां से लोन ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।